हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर एंड टेस्टिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 द प्रोडिगल सन चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडिगल का मतलब क्या है? सन का मतलब हमें पता है बेटा, एंड प्रोडिगल का मतलब वो इंसान जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो, मनी बहुत ज्यादा स्पेंड करता हो, ठीक है, खर्चीला। तो इट मीन्स यहाँ पर हम एक खर्चीले बेटे के बारे में बात करने जा रहे हैं। द प्रोडिगल सन इज अ फेमस पैराबल टेकन फ्रॉम द बाइबल। जो प्रोडिगल सन एक फेमस पैराबल है। पैराबल मीन्स एक स्टोरी, मोरल स्टोरी जो हमें सीख दे, ठीक है। ये एक सीख देने वाली कहानी है जो कहाँ से ली गई है? बाइबल। बाइबल क्या है? होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, जो कि होली बुक है क्रिश्चियंस की। पैराबल्स आर द शॉर्ट सिंपल स्टोरीज द टीचर मॉरल लेसन। प्रीएम्बल्स एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरीज होती है जो हमें कोई ना कोई सीख देती है। द बाइबल हैज मेनी प्रीएम्बल्स विद सम अप टीचिंग्स ऑफ जीसस एंड द प्रॉफिट्स इन अ वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। बाइबल में बहुत सारी स्टोरीज हैं जो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स और द प्रॉफिट्स, यानी कि जो संत्स थे, वो जो प्रचार करते थे, होली संत्स, उनके प्रचार से ये स्टोरीज ली गई हैं और ये स्टोरीज सबको समझ आती है और ऐसी राइट की गई हैं। रीड दिस हार्ट वार्मिंग टेल विद इट्स मैसेज ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। ये एक स्टोरी है, टेल मीन्स एक स्टोरी, टेल का मतलब कहता है स्टोरी। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो आपको प्यार और फॉरगिवनेस, यानी कि किसी को माफी देने की सीख देगी। अ रिच फार्मर हैड टू सन्स हु वर्क विद हिम ऑन अ फार्म। एक बहुत अमीर फार्मर था, बहुत अमीर किसान था, जिसके पास दो बेटे थे और वो दो बेटे उसके साथ खेतों में काम करते थे। One day the younger son said to his father, "When you die, half of everything you will earn be mine. Give it to me now so that I can go off and have a good time." एक दिन क्या हुआ, उसके छोटे यंगर मीन्स छोटे बेटे ने किसान से कहा, उस अपने फादर से कहा कि जब आप मर जाओगे, जितना भी आपके पास चीजें हैं उसकी आधी, क्योंकि दो बेटे हैं ना किसान के, तो उसमें आधे जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरी हो जाएगी, और आप अभी मुझे ये प्रॉपर्टी देते हो ताकि मैं दूर जाऊँ और वहां पर एक अच्छी लाइफ व्यतीत करूँ, अच्छा टाइम हो। द फादर लव्ड हिज सन एंड डिड नॉट लाइक टू सी आइदर ऑफ देम अनहैप्पी। जो वो फादर थे, जो उसके पिता थे, वो अपने बेटों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बेटा दुखी हो। सो ही काउंटेड हिज मनी एंड गिव हाफ ऑफ इट टू हिज यंगर सन। तो उसने अपने जितने भी उसके पास पैसे, उसने उसे काउंट किया और उसने जितनी भी प्रॉपर्टी है, और उसने आधी प्रॉपर्टी किसे दे दी? अपने छोटे बेटे को। अ फ्यू डेज लेटर द सन पैक्ड हिज बिलोंगिंग्स एंड बैग्स ऑफ गोल्ड। और कुछ दिन बाद जो उसका बेटा था, जो उसका छोटा बेटा था, उसने क्या किया, अपने जो भी सामान है उस सबको पैक किया, और जो गोल्ड यानी कि सोने के कुछ बैग भी थे जो कि उसे मिले थे, वो भी उसने पैक कर लिए। माउंटिंग हिज हॉर्स मीन्स सेटिंग अप, मीन्स अब वो जाने की तैयारी कर रहा था। जब वो अपना हॉर्स सेट कर रहा था, ही वेव्ड गुड बाय टू हिज फादर। उसने अपना हाथ हिलाकर, देखिए, अपने फादर को उसने गुड बाय कहा, और उसके फादर ने भी उसे बाद में गुड बाय कहा। देखिए उसका बेटा, सी दिस, हाँ, ये उसका बेटा जो कि जा रहा है और उसके फादर उसे गुड बाय कर रहे हैं। वेव्ड अ गुड बाय टू हिज फादर एंड ब्रदर एंड सेट ऑफ। अपने ब्रदर और अपने फादर को बाय कहकर वो चला गया। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी मंथ्स ही रीच्ड अ फॉरेन कंट्री। बहुत महीने ट्रेवल करने के बाद, रास्ता कवर करने के बाद, वो कहाँ पहुंच गया? फॉरेन कंट्री, यानी कि विदेश कंट्री, ठीक है, जो कि आउटर कंट्री है ना, हमारी कंट्री से बाहर। डिसाइडिंग टू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल ही स्पेंट सम ऑफ हिज गोल्ड ऑन अ लार्ज एंड स्प्लेंडेड हाउस। उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि वो यहाँ पर रहेगा कुछ टाइम के लिए, इसलिए उसने उसने क्या किया, गोल्ड यानी कि जो सोना है उसने स्पेंड कर दिया, उसने खर्च कर दिया किस पर? एक बहुत बड़े और एक बहुत शानदार घर पे। स्प्लेंडेड मीन्स इंप्रेसिव, शानदार। ही स्पेंट हिज गोल्ड ऑन क्लोथ फॉर हिमसेल्फ। और उसने गोल्ड यानी कि सोना किस पर और स्पेंड कर दिया? अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए। एंड ऑन प्रेजेंट्स फॉर हिज न्यू फ्रेंड्स हू सीम्ड टू लाइक हिम। और उसने प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट खरीदे अपने नए दोस्तों के लिए, जो वहां पर उसके नए दोस्त मिले, उसे ये लगता था उसके नए दोस्त उसे अच्छे पसंद करते हैं। ही थॉट दैट गिफ्ट वुड मेक देम लाइक हिम इवन मोर। उसे ये लगता था कि जो अगर वो उसे गिफ्ट देगा तो ये गिफ्ट उन्हें, मतलब जो उनके फ्रेंड है, उसे ज्यादा पसंद करने लगेंगे उसके फ्रेंड्स अगर उन्हें वो गिफ्ट देगा। He invited all his friends to his house for feast which sometimes went on all night. अब उसने क्या किया, उसने अपने सारे फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स जो उसके बने थे, सभी को फीस्ट पर बुला लिया। फीस्ट मीन्स दावत, बहुत बड़ा खाना मील, ठीक है। और कई बार ये क्या थे, जो ये फीस्ट थी, दावत थी, पूरी रात रात तक चलती रहती थी। दिस वॉज ऑलवेज लॉट ऑफ गुड फूड, देयर वॉज ऑलवेज लॉट ऑफ गुड फूड, म्यूजिक एंड डांसिंग। वहां पर बहुत अच्छा खाना था, म्यूजिक यानी कि म्यूजिक गाना, यू नो, सॉन्ग्स एंड डांसिंग। वहां पर जैसे पार्टी होती है ना, म्यूजिक चलता है, डांस करते हैं ना, अच्छा अच्छा खाना था।
सेम था। स्पेंडिंग सो फ्रीली इस गोल्ड वो सोन ओवर, इतना वो खर्चा करता था कि जो उसका सोना है वो जल्दी खत्म हो गया। इन लेस देन टू ईयर्स ही हैड टू गो टू द मनी लेंडर्स फॉर सम गोल्ड। और दो साल का भी कम ही टाइम हुआ था, दो साल पूरे नहीं हुए थे जब से वो घर से आया, तो दो साल के थोड़ा ही टाइम हुआ था, कम ही टाइम हुआ था, दो साल से कम। और अब उसे क्या जरूरत पड़ी तो मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा था और गोल्ड के लिए। मनी लेंडर्स कहते हैं, मनी लेंडर्स वो पर्सन होते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर पैसे खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, मनी लेंडर पर्सन के पास जाएंगे, वो पर्सन हमें कुछ पैसे देगा। और जैसे मैंने एक साल के बाद उसे पैसे देने, उसने मुझे 1000 रुपीज दिया, तब मुझे उसे 1100 रुपीज वापस देने पड़ेंगे, मीन्स इंटरेस्ट में से उसे और पैसे अपने साथ देने पड़ेंगे ब्याज पे, जिस ठीक है। Soon he had to sell off his house to pay his debits. और उसे जल्दी अपना घर भी बेचना पड़ा, जो उस पर इतना कर्जा था, इतने उसके डेबिट्स थे ना, पैसे उसे वापस भी देने थे। He had no money and now where to live. उसके पास कोई भी पैसा नहीं रह गया था और उसके पास कोई जगह नहीं बची थी रहने के लिए। He asked his friends for help. उसने अपने दोस्तों के पूछा कि आप मेरी प्लीज मदद कर दो, बट दे जस्ट लाफ्ड एंड कॉल्ड हिम अ फूल। वो जस्ट उस पर हंसे और उसे कहा कि तुम तो बुद्धू हो, तुमने हमारे पर इतना पैसा खर्च किया और हम तो बस अब तुम्हारे गिफ्ट लेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं इसके बदले देने वाले। Unhappy and alone, he tried to earn money to buy food. अब unhappy दुखी हो गया और अकेला हो गया, उसने कोशिश की कि अब वो कुछ और money, उस पैसे कमाए और उससे वो खाना खरीद पाए। But there was drought in the country as it had no rain for months. और उस country में सोका था, means drought means जहाँ पर पानी की कमी हो जाए, और वहाँ पर क्योंकि बहुत कुछ महीने हो गए थे वहाँ पर rain नहीं हुई थी। The crops were burnt by the sun and the people were starving. जो crops थे वो sun की गर्मी, इतनी temperature था, sun की गर्मी से जो crops यानी कि फसलें थी वो सड़ चुकी थी, अब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्हें पानी तो मिल नहीं रहा था क्योंकि आगे ड्रॉट हो गई कंपनी में ना, सोखा पड़ गया। और जो पीपल थे वो भूख से मर रहे थे, स्टार्विंग मीन्स डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से, खाने की कमी से वो सफर कर रहे थे या मर रहे थे। ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर वर्क, उसने हर जगह काम की तलाश की। एट लास्ट अ फार्मर गेव हिम अ जॉब, आखिर में क्या हुआ, एक फार्मर ने उसे जॉब दे दी, किसान ने उसे जॉब दे दी। ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज हर्ड ऑफ द शीप, उसके पास हर्ड मीन्स होता है ग्रुप, मीन्स कुछ उनके पास भेड़े थी, शीप मीन्स भेड़े, और उनकी ग्रुप उन शीप्स की देखभाल करने के लिए उसे काम दे दिया। द ओनली वे इज द फार्मर पेड हिम वाज अ स्मॉल प्लेट ऑफ फूड एवरी डे, जो उसे तनख्वाह देता था वो फार्मर सैलरी देता था, वो क्या देता था, सिर्फ उसे एक छोटी सी प्लेट दे देता था खाने की। Sometimes he was so hungry that he ate the sheep's food to satisfy hunger. कई बार वो इतना ज्यादा उसे भूख लगती थी, वो करता था बेचारा शीप का खाना ही खा जाता था, भेड़ों का खाना खा जाता था अपनी भूख मिटाने के लिए, हंगर, हंगर मीन्स भूख। One day when he was laying on the hard ground, he thought of his home and his father who loved him. एक बार जब वो एक सच्चे ग्राउंड यानी कि सच्ची जमीन पर पड़ा था, उसने सोचा, उसने अपने घर के बारे में सोचा और उसके फादर के बारे में जो उसे बहुत प्यार करते थे। He remembered that his father's servants lived in comfortable houses and had plenty to do. उसने ये भी सोचा कि जो मेरे पापा के सर्वेंट्स हैं, मेरे पापा के नौकर, वो तो इतने कम्फर्टेबल, इतने अच्छे से रहते हैं, इतने अच्छे हाउस में रहते हैं और उनके पास बहुत खाना खाने के लिए। How many of my father's servants have more than they need? मेरे पापा के इतने ही ऐसे सर्वेंट्स हैं जिनके पास जितनी उन्हें जरूरत है उससे भी ज्यादा उनके पास चीजें हैं। He said to himself, उसने अपने आप से ये बात कही। While here I am dying of hunger, I will go to my father and say, Father, I am no longer worthy to be called your son. Let me come home and be treated as one of your servants. अब उसने सोचा कि मैं घर वापस जाऊंगा और मैं अपने पापा से कह दूंगा कि फादर, मैं अब बिल्कुल भी worthy means होता है, मेरी बिल्कुल भी औकात नहीं रहेगी कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, जस्ट मुझे घर आने दिए और मुझे जस्ट आप एक सर्वेंट, एक नौकर की तरह ट्रीट करें। और जो ये यंग मैन यानी कि जो ये आदमी था वो क्या किया, उसने खड़ा हुआ एंड सेट ऑफ फॉर होम, वो घर जाने के लिए तैयार हो गया। इट वॉज वेरी डिफरेंट जर्नी फ्रॉम द वन ही हैड मेड टू ईयर्स बिफोर। अभी जो जर्नी है, जो ये यात्रा, ये काफी डिफरेंट थी जो पहली यात्रा उसने ली थी जब वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि तब तो उसके पास हॉर्सेस थे काफी ना, अच्छा पानी था, खाना था, लेकिन अब तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं, काफी डिफरेंट नहीं थी। Although he was dirty, barefoot and ragged, his father recognized him from a long way, overjoyed the old man ran to meet his son. अब हमें पता है कि वो जैसे उसके जो कपड़े इतने गंदे हो चुके थे, 4 feet में शूजलेस, उसके पैरों में पहनने के लिए शूज, जब वो आया था उसके कपड़े इतने गंदे थे, ना ही उसके पैरों में शूज थे, कोई भी फुटवेयर नहीं था, एंड रैग्ड, एंड बहुत ज्यादा उसके जो कपड़े थे कटे फटे थे, मीन्स फटे हुए कपड़े थे, जैसे यू नो बैगेज नहीं बेघारी, वैसे उसकी बिल्कुल स्थिति हो गई थी। लेकिन जो उसके पापा है उसने दूर से देख लिया, उन्होंने पहचान लिया कि मेरा ही बेटा है, और जो वो ओल्ड मैन था जो उसके फादर
फादर थे वो भागकर उसके पास गए अपने सन से मिलने के लिए. फादर क्राइड द ओल्ड मैन प्लीज फॉर गिव मी, जो ये वो यंग सॉरी क्राइड द यंग मैन, मैंने ऑल्ड कह दिया गलती से, जो वो यंग मैन है यानी कि वो जो लड़का था उस फार्मर का सेकंड बेटा, वो उसने कहा पापा मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज फॉर गिव मी, मुझे माफ कर दो. द ओल्ड मैन थ्रू हिज आर्म्स अराउंड हिज सन एंड किस्ड हिम, उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया और उसे किस किया. देन ही सैड टू अ सर्वेंट फेच माय बेस्ट रोब फॉर हिम, उसने उसके एक नौकर से कहा कि मेरे बेटे के लिए सबसे बेस्ट सबसे अच्छा रोब, रोब मीन्स क्या होता है अच्छी ड्रेस, रोब मीन्स ड्रेस, फेच मीन्स ब्रिंग, मेरे बेटे के लिए सबसे अच्छी ड्रेस लेके आओ. ब्रिंग शूज फॉर हिज फीट, शूज लेके आओ उसके पैरों के लिए और एक रिंग लेके आओ उसके फिंगर्स के लिए. उसने दूसरे सर्वेंट्स को कहा कि हमें एक फीस यानी कि एक दावत एक खाना ऑर्गेनाइज करना है, मैंने ये सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा दिन है, मैं वो सेलिब्रेट करना चाहता हूँ. दिन क्यों बड़ा था, क्योंकि उसका जो बेटा है वो वापस लौट आया था. फॉर माई सन वॉज डेड एंड इज अलाइव अगेन, एक बार मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका था क्योंकि उसको प्रॉपर्टी का लालच था, लेकिन अब वो दोबारा जिंदा हो गया, उसे वापस हमारे पास आ गया है. ही वॉज लॉस्ट एंड ही हैज बीन फाउंड, पहले वो प्रॉपर्टी के चक्कर में गया चला लेकिन अब वो दोबारा मुझे मिल गया, मेरा बेटा मिल गया. इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स एंड नेबर सो दैट दे मे शेयर माई एंजॉय, सभी मेरे पड़ोसियों को सभी मेरे दोस्तों को बुलाओ ताकि वो भी मेरी खुशी में हिस्सा ले सके. दैट इवनिंग द एल्डर सन हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड्स, और उसी इवनिंग उसी शाम जिसका एल्डर सन था जिसका बड़ा बेटा था वो खेतों में काम कर रहा था, कम होम वो वापस आ गया. और ही आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई म्यूजिक एंड सॉन्ग वर हर्ड फ्रॉम द हाउस, उसने सर्वेंट एक नौकर से पूछा कि ये म्यूजिक की जो ये सॉन्ग की साउंड है मेरे घर से क्यों आ रही है. व्हेन ही हर्ड दैट हिज फादर वाज सेलिब्रेटिंग हिज यंगेस्ट ब्रदर रिटर्न ही वाज वेरी अपसेट, जब उसे ये पता लगा कि जो उसके फादर हैं वो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो उसका छोटा बेटा है वो वापस आ गया, वो बहुत ज्यादा अपसेट दुखी हो गया. ही टोल्ड द सर्वेंट टू आस्क हिज फादर टू कम आउट टू हिम, उसने एक अपने नौकर से कहा कि जाओ मेरे पापा से कह के आओ कि एक बार बाहर आए, मैं उन्हें बुला रहा हूँ. हिज फादर कम आउट एट वंस, उसके जो पापा वो बाहर आए एंड ग्रीटेड, उसे मींस ग्रीट किया, उसे वेलकम किया. हिज सन जॉयफुली, बहुत खुशी से उसने अपने बेटे का वेलकम किया, बिकॉज वो भी फील्ड से ऐसा नहीं. योर फादर हैज कम बैक ही कम होम ही सेड, उसने कहा कि तुम्हारा सॉरी योर ब्रदर हैज केम होम ही सेड, उसने कहा कि जो तुम्हारा भाई है वो वापस आ गया है. कम एंड ज्वाइन द फीस्ट, आओ और मेरे साथ जो ये फीस्ट है ये डिनर है वहाँ पर हमारी जो पार्टी हो रही है वहाँ पर हमें ज्वाइन करो और इन्जॉय करो. अगर आइज गाइज अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूल नहीं मत. सो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. द एल्डर सन रिप्लाइड एंगरली, जो उसका बड़ा बेटा था उसने गुस्से से रिप्लाई किया, व्हाई शुड आई फादर, आई वर्क फेथफुली फॉर यू बट यू हैव नेवर गिवन मी इवन अ यंग गोट सो दैट आई कुड इनवाइट माई फ्रेंड्स फॉर अ मीट, वो कहता कि मैं के अंदर उसके जो बेटा था बड़ा बेटा उसने गुस्से से कहा मैं कि फादर अंदर आऊं, मैं तो आपके लिए इतना लॉयल इतना वफादार से काम करता हूं लेकिन आज तक आपने मुझे कभी एक बकरी भी नहीं दी कि चाहो तो तुम पार्टी कर लो, अपने दोस्तों को इनवाइट करो उनके साथ एक पार्टी कर लो. येट द मोमेंट माई ब्रदर केम होम आफ्टर वेस्टिंग योर मनी एंड मेकिंग अ फूल ऑफ हिमसेल्फ यू इनवाइट एवरीवन टू फीस्ट, नो आई विल नॉट कम, उसने कहा कि अब जैसे मेरा भाई आ गया है घर में अपनी सारी मनी वेस्ट करके या बुद्धू बन के घर पे मनी लुटा के और आपने अब सब कुछ को इन्वाइट किया कि पार्टी करने के लिए, नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा पार्टी में. द फादर फेल डीपली सॉरी, उसके जो फादर है उस लड़के के उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ. ही अंडरस्टूड वाई हिज एल्डर सन वॉज सो बिटर एंड जेलस, उन्हें समझ आ गया जो उसका बड़ा बेटा वो इतना मीन्स गुस्से में क्यों और इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, इतना जेलस क्यों हो रहा है. मिसेज जेलिस का मतलब होता है जलना, मीन जो उसे समझ लगी थी उसका बड़ा बेटा इतना गुस्से में क्यों और इतना जलन क्यों महसूस कर रहा है. माई फादर ही सेड जेंटल, यू आर ऑलवेज विद मी एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, उसके जो फादर उसने अब कहा कि माय सन मेरे बेटे यू आर ऑलवेज विद मी, तुम हर टाइम मेरे साथ थे और मैंने तुम्हें हमेशा बहुत सारा प्यार दिया है बट प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं आज कैसा फील कर रहा हूँ. तुम बहुत अच्छे बेटे हो और मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है डरने के लिए कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन जो तुम्हारा छोटा ब्रदर है उसमें मुझे डर था कि मुझे छोड़ के चला जाएगा और मुझे छोड़ के चला भी गया. एंड ही वॉज लॉस्ट एंड ही हैज़ बीन फाउंड, लेकिन पर जब चला गया था मुझे वो वापस मिल गया, मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया, पहले वो प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझसे डूब गया चला था. आई हैव गॉट अ सन बैक, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया, एंड यू आर ब्रदर, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिल गया. फॉरगिव हिम हिज फुलनेस एंड फुलिशनेस एंड वेलकम हिम बैक, तुम उसकी जो फुलिशनेस उसकी स्टुपिडिटी जो उसके जो ये मूर्खपन तक है उसे भूल जाओ और उसे उसका स्वागत करो क्योंकि वो वापस आ गया. द एल्डर ब्रदर अंडरस्टूड द विजडम ऑफ हिज फादर्स वर्ड, अब जो बड़ा बेटा है उसने उसके वो तो बहुत समझदार था ना, उसको पता लग गया, उसने अपने जो फादर के
जो उसने फादर ने ये बात कही थी उसके जो इम्पोर्टेंस थी वर्ड्स की उसकी उसकी उसके उसको फादर की बात समझ आ गई, उस बड़े बेटे को उसके फादर की बात समझ आ गई। बोथ फादर एंड सन एम्बेरस्ड ईच अदर, उन जो जो सन और जो फादर यानी कि जो फार्मर और फार्मर का बेटा, उन दोनों ने वो एक दूसरे गले लग गए एंड वेंट इन टू हाउस टू रिजॉइस, और वो घर में वापस गए चले इंजॉय करने के लिए। तो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इस जो भी ये चैप्टर 4 है ना द प्रोडिगल सन, इससे जितने पिछले चैप्टर्स हैं उन सबकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो आई होप सो यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्रेस लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन ऑल्सो टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।